अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर F.E. उसके अंदर क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमें इनपुट लेना है रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ और सर्किल का रेडियस। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का अर्थमेटिक फॉर्मूला क्या है और उसका पैरामीटर काउंट करने का क्या है और सर्कमफेरेंस की मतलब सर्किल की पैरामीटर सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट करने का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई क्या है, एक रियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14 और पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसके अंदर की रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सर्किल का एरिया निकालेंगे और दोनों का पैरामीटर या सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधे हमारे टर्बोसी के अंदर। ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हमारा है, हम न्यू फाइल निकालते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम जो निकाल रहे हैं इसको सेव कर देते हैं। किस नाम से सेव कर रहे हैं, एरिया डॉट सी, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, डॉट एच हेडर फाइल्स यूज हम इसका हर प्रोग्राम में कर चुके हैं, कौन ये डॉट एच क्यों रिक्वायर्ड है। ये है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का स्टार्ट होने वाला मेन फंक्शन GTCA जो कि पुणे डॉट एच के अंदर है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करती है। हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर हमें लेते हैं इंटीजर लेंथ और विड्थ जो है हम इंटीजर टाइप ले लेते हैं, तो इनका जो एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया वो हमारे पास इंटीजर टाइप ही आएगा और रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो भी हमारे पास में यही आएगा इंटीजर ही, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट हम इनपुट में नहीं लेंगे। फ्लोट के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर हमसे रेडियस पूछ रहा है, ये हम फ्लोटिंग ले रहे हैं क्योंकि इसके 2 पाई आर लगेगा तो पाई 3.14 है, उसका आउटपुट ऑलरेडी रियल टाइप में आएगा तो हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में ले लेते हैं। रेडियस आ गया, सर्किल का एरिया हो गया, सर्किल की पैरामीटर होगी। अब इनको हम स्कैन करवाते हैं, प्रिंट टैब एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, दोनों हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ परसेंट डी लेंथ एंड विड्थ आ जाएगी हमारे पास में, तो यहां पे हमने लिख दिया परसेंट लेंथ परसेंट विड्थ। अब हम रेक्टेंगल का इनपुट ले लिया है तो रेक्टेंगल का पहले हम कैलकुलेशन में कर देते हैं कि एरिया निकाल देते हैं और पैरामीटर भी निकाल देते हैं, उसके बाद में फिर सर्किल के ऊपर जाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ ये इसका एरिया हो गया। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 4 भुजा होती है इसके अंदर, तो चारों का सम होगा बेसिकली, तो 2 का 2 तो सेम होती है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। अब ये स्टेटमेंट लगा दिया हमने, अब इसको हम आउटपुट कर देते हैं चेक।
printf area of rectangle is, ये यहां पर आ जाएगा परसेंट डी स्लैश एन, न्यू कैरेक्टर लगा देंगे यहां नहीं, हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है कि इसलिए बोला गया है कि परसेंट डी के बाद में स्लैश एन लगाए तो रेक्टेंगल का एरिया को प्रिंट करने के बाद में ये न्यू लाइन कैरेक्टर के अंदर जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल नहीं लगाते हैं परसेंट डी स्लैश एन, ये हो गया। इसके बाद में हम इनपुट के अंदर लेंगे क्या, या कमेंटिंग कर देते हैं रिगार्डिंग सर्किल कैलकुलेशन, यह हमने करा प्रिंट एफ एंटर रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू जो भी आएगी इसके अंदर आ जाएगी स्कैन एफ, यहाँ सर्किल की रेडियस को स्कैन कर रहे हैं। फॉर्मेट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग टाइप था तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी फ्लोटिंग रहेगा, और यहाँ पे आ गया हमारा रेडियस। रेडियस से पहले हम परसेंट लगाना है, परसेंट नहीं लगा के तो एरर थ्रो करेगा। अब ये आ गया, इसके बाद में निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा था सी आई आर ए, तो ये क्या होता है पाई की वैल्यू हमारे पास में 3.14 है, तो पाई आर स्क्वायर है तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। सी के अंदर पाई आर स्क्वायर इस तरह से कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पावर के थ्रू। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑलरेडी फॉर्मूला बना उसका यूज करेंगे, लेकिन उसका भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर यूज करेंगे। अभी हम सिंपल कर देते हैं, आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस और रेडियस को दो बार मल्टीप्लाई करना। ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये उसका सर्किल का एरिया आ गया, और सर्किल का पैरामीटर हमको चाहिए, सर्कमफेरेंस चाहिए, तो वो होती है 2πr, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्किल इज परसेंट एफ, यहां पे हम सर्किल एरिया का वेरिएबल डाल दिए, और यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर नीचे हम प्रिंट करेंगे उसकी परिधि यानी कि पैरामीटर। सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एज परसेंट एफ, ये क्या है सी आई आर पी, ये हमारा पूरा प्रोग्राम में लिख दिया है। इसको एफ टू से हमने सेव कर दिया, अब इसको ऑल्ट एफ नाइन से डीबग कराया तो इसके अंदर हमारे पास में दो वार्निंग मिली है, आर ई सी टी पी इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, हमने आर ई सी टी पी का कहीं यूज नहीं करा क्या, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल परसेंट डी, ये हमने प्रिंट अप दे तो दिए आधे, लेकिन इनके अंदर हमने वेरिएबल्स पास नहीं करे थे कि किस वेरिएबल की वैल्यू हमें यह डिस्प्ले में करनी है। आर ई सी टी ए, आर ई सी टी ई ऑल्ट एफ नाइन, कोई एरर नहीं। अब प्रोग्राम को कंट्रोल एफ टू करके सेव कर दिया, ये वाई कंट्रोल एफ नाइन ये रन करेगा। वो हमने इसके अंदर क्लियर स्क्रीन नहीं लगाई है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग हमने कोड रन कराया था उसका ये हमारे पास में रह गया है, कोई बात नहीं। एंटर सिटी ऑफ, ये पर एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ 10 एंड 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 200, पैरामीटर आ गया 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 या 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 16,
उसके बाद में जस्ट हमने पूछ लिया है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस मान लीजिए 4 है, तो आंसर आया हमारे पास में 50.240002 और सर्कमफेरेंस यह है 25.10। तो इस तरीके से हमने दो अलग अलग शेप हैं, रेक्टेंगल एंड सर्किल, उनका एरिया एंड पैरामीटर या सर्कमफेरेंस निकाला इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इस तरीके से प्रोग्राम कैलकुलेट होते हैं। डेट टाइम ऑफ डिस्क फाइल है चेंज, रिलोड द डिस्क, हमें रिलोड नहीं करनी है, ये हमने सेव कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। थैंक यू।